और देखिए चीन और ताइवान के बीच भीषण टकराव। ताइवान स्ट्रेट में आज चीन की नेवी की ड्रिल। चीन के युद्धाभ्यास पर ताइवान की बड़ी वार्निंग। चीन को ताइवान की सीमा से दूर रहने की धमकी दी है। ताइवान की सीमा में घुसने पर पलटवार की चेतावनी। रूस यूक्रेन के साथ साथ जंग का एक मुहाना ताइवान स्ट्रेट में भी खुल सकता है, जहां चीन, ताइवान और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट में चीनी नेवी की ड्रिल चल रही है। चीन की इस चाल के बाद ताइवान ने अपनी जमीन बचाने का ऐलान करते हुए चीन को चेतावनी भी दे दी और उसे ताइवान की सीमा से दूर रहने की हिदायत दी। चीन ताइवान को घेरने की रणनीति के तहत ड्रिल कर रहा है, वहीं ताइवान चीन को चेतावनी दे रहा है। ताइवान स्ट्रेट में वॉर ड्रिल की तस्वीरें जारी की गई। ताइवान की सीमा से दूर रहने की ताइवान की तरफ से धमकी दी गई है, जहां 10 वॉरशिप समंदर में उतरे। इस वॉर ड्रिल में DF-17 मिसाइल को भी शामिल किया गया। हापून और साइड विंडर मिसाइल तैनात कर दी गई है। साथ ही रडार और क्रूज जहाज से निगरानी की जा रही है। इसी जंगी माहौल के बीच ताइवान ने दावा यह भी किया है कि उसने चीन के 70 एयरक्राफ्ट और 11 वॉरशिप को इंटरसेप्ट किया है। रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब तक चीन के 45 विमान ने ताइवान की सीमा में घुसने की कोशिश की है। चीन की इस हरकत पर अमेरिका की पैनी नजर है। अमेरिका चीनी वॉरशिप और मिसाइलों की निगरानी कर रहा है। हालांकि साथ ही अमेरिका ने चीन से संयम बरतने की अपील की है। चीन और ताइवान की टेंशन पर फ्रांस का बयान भी सामने आ गया है। जिनपिंग से मुलाकात के बाद मैक्रो ने कहा है कि यूरोप को ताइवान संघर्ष में शामिल होने से बचना चाहिए। यूरोप को अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। रूस यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप पहले से ही संकट में फंसा हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इन दिनों चीन के मुरीद हो गए हैं। हाल ही में चीन से लौटने के बाद मैक्रो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ताइवान नीति का समर्थन कर रहे हैं। ताइवान मुद्दे पर मैक्रो का चीन को समर्थन अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। किसी भी मुद्दे पर अमेरिका समर्थन करने वाले यूरोप ने अमेरिका को झटका दे दिया। चीन से लौटने के बाद मैक्रो ने कहा कि यूरोप को चीन और ताइवान मुद्दे से दूर रहना चाहिए और अमेरिका पर अपनी निर्भरता घटानी चाहिए। यूरोप को अमेरिका का पिछलग्गू बनने से खुद को रोकना चाहिए। मैक्रो ने कहा कि यूरोप पहले ही रूस और यूक्रेन जंग की वजह से संकट में फंसा है, इसलिए यूरोप को चीन ताइवान विवाद से दूर रहना चाहिए। चीन ताइवान की टेंशन को देखते हुए मैक्रो की यूरोप को नसीहत, जहां चीन ताइवान संघर्ष में शामिल होने से यूरोप को बचना चाहिए। ताइवान संकट बढ़ाना यूरोप के हित में नहीं है। यूरोप को बीजिंग और वॉशिंगटन से अलग स्वतंत्र रणनीति अपनानी चाहिए। यूरोप को अपने रक्षा उद्योग को ज्यादा फंड देने चाहिए। परमाणु और आधुनिक ऊर्जा का विकास करना चाहिए। मैक्रो रूस और यूक्रेन के बीच कई बार शांति की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिली।